प्रदेश की सियासत में अपनी खड़ी बोली के लिए जाने जाने वाले कृषि मंत्री कमल पटेल एक बार फिर अपने बयानों के लिए सुर्खियों में हैं। दरअसल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कृषि मंत्री कमल पटेल ने राहुल गांधी पर विवादित बयान दे दिया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। हरदा विधायक और शिवराज सरकार में कृषि मंत्री कमल पटेल सत्ता में आने के साथ ही कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर हमलावर रहे हैं। राजस्थान में जारी सियासी संकट को लेकर कांग्रेस पर बरसते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि आज कांग्रेस में स्वाभिमानी और कर्तव्यनिष्ठ नेताओं के लिए कोई जगह नहीं है, केवल गांधी परिवार की जी हुजूरी करने वाले नेताओं को पार्टी में महत्व दिया जाता है। इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए विवादित बयान दे डाला। जो कांग्रेस थी वो खत्म हो गई है, एक परिवार की कांग्रेस रह गई है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है, इन्हीं के जो चमचागिरी करते हैं, जो जियाजूरी करते हैं वही कांग्रेस में। इसलिए जो भी कांग्रेस की स्वाभिमानी है और सारथी है और जो समाज और देश की सेवा करना चाहते हैं वो लोग अब कांग्रेस में रह नहीं सकते और इसलिए वो कांग्रेस से बाहर जा रहे हैं। वो कांग्रेस खुद अपने आप आत्महत्या कर रही है, क्योंकि उन्होंने कहा कि भले ही वो देश आए कहीं पार्टी डूबे तो डूबे, वो पप्पू को बना के रहेंगे, पीछे वहीं से चलेगी, तो पप्पू जब तक रहेगा तो कांग्रेस खत्म ही होना है। आपको बता दें कि शिवराज सरकार में प्रभावी मंत्री माने जाने वाले कमल पटेल कमलनाथ के खिलाफ खासे आक्रामक रहे हैं। बीते दिनों उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को जेल पहुंचाने की बात कहकर प्रदेश की सियासत में सनसनी मचा दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।